हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आप किसी का भी मोबाइल नंबर से कैसे चेक कर पाएंगे कि उसका बजाज का ईएमआई कार्ड है या नहीं है। अगर कार्ड है तो कितनी लिमिट है, कार्ड है तो एक्टिव है या ब्लॉक है, ठीक है, तो ये कैसे जान पाएंगे, ठीक है, तो इसी के बारे में आज वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आंसू और आप देख रहे हैं लहरे टेक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बजाज ऐप में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर डालेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे कोई कैटेगरी चूज कर लेंगे और यहाँ पे ब्रांड चूज कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे परसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक ओटीपी जाएगा, ठीक है, वो ओटीपी इसमें डालना होगा। थोड़ा नेटवर्क स्लो की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। कस्टमर सर डाटा नॉट अवेलेबल, ठीक है, फिर से क्लिक करते हैं। देखिए एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी एंटर करना है इसमें, ठीक है, और वेरीफाई करना है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कार्ड की लिमिट है, ठीक है, ये कार्ड नंबर है, ठीक है, ये कार्ड नंबर है, ठीक है, और ये 30,000 की लिमिट है। ओपन ईसीएस, ये ईसीएस लिमिट इतनी है, और ये पूरी नीचे डिटेल्स हैं, एड्रेस वगैरह ये पूरा है नीचे, ठीक है। तो इस तरह से आप बजाज के कार्ड का चेक कर सकते हैं, ये एड्रेस है या मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, ठीक है। यहाँ डिजिटल बाउ लाइट रेड हुआ पड़ा है, सब सीडी का जो 100% है इसका है, जिसमें 100% आपको दिखा रहा है, इसका मतलब समझ लो कि उसमें पूरा फाइनेंस हो सकता है, जीरो डाउन पेमेंट मिल सकता है। और से डिजिटल एलटीवी जो लिखा हुआ है इसमें 84% है, तो इसको इसमें आपको कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ेगा तभी फाइनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। आरबीएल सीसी ऑफर स्टेटस, यहाँ पे कोई ऑफ़र अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए, बाकी ये सब समझ ही गए आप, ठीक है। तो इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।